आज हम लोग आप लोगों को लेके आए हैं 70 साल पुराने एक गोलगप्पे वाले अंकल जी के पास, जो यहाँ पे बहुत फेमस है अजमेर के अंदर। आप पीछे देख सकते हो, अभी है श्री ट्रेड सेंटर। इससे पहले जो ये था, ये श्री टॉकीज था, अजमेर में बहुत फेमस था। उनके बिल्कुल सामने अंकल जी लगाते हैं तीर्थ पानी पताशे वाले, और आप इन्हें देख सकते हो काफ़ी एजेड लग रहे हैं। और ये जगह कोई आम इंसान ने हमें नहीं बताई है, ये जगह बताई है YouTube के पंडित जी ने। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास, अब एकदम मजे में। मजा आ जाएगा ना यहाँ पे खाके। शानदार, अजमेर की एक नामी शख्सियत है तीर्थ पानी पताशे वाले, तो आज लगाते हैं तड़का। तो गाइस, इनका भी YouTube चैनल है इंडियन देसी तड़का के नाम से, और काफ़ी अच्छा फूड ये एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह हमें खुद देखने को मिली इनके जरिए। नए साल हो गए अंकल जी आपको, एक काम करते हुए 70 साल। 70 साल जी। तो आपने चालू करा था या फिर पहले पिताजी ने? पहले। अच्छा, उस मेरे को 70 साल हो गया। आपको 70 साल हो गए? मैं 4 बजे आता हूँ। क्या बात है। तो अंकल जी, अब तो आपका आराम करने का टाइम है, अब तो आराम कीजिए। आराम थोड़ी इकट्ठा होना चला, कोई बीमारी थोड़ी करनी है। अच्छा। बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम करते करते ठीक हो जाएगी। माल बनाने से 7 बजे पूरे। 7 बजे जगते हो? हाँ, मैं उठता तो 5-6-4-5 बजे उठता हूँ। अच्छा। दूसरे ना कहकर के मंदिर में जाना करना बाद में। अच्छा। 7 बजे इधर 2-3 लेबर है मेरे पास। लेना चाहिए, इतनी उम्र में भी अभी तक काम कर रहे हैं, और हम लोग आलसों की तरह पड़े रहते हैं। तू सीख प्रियंका कुछ, तू भी सीख रही है, सिखाइए अंकल जी से कुछ, सिखाइए। आलसी नहीं बनना चाहिए कभी भी, कभी नहीं बनना चाहिए। समझ रही है अंकल जी की बात। चलो गाइस, अब हम देखते हैं हमारे पानी पताशे और दही बड़े कैसे बनते हैं। आप क्या खिलाने वाले हो हमें? दही पताशे। दही पताशे, चलिए पहले दही पताशे खाएंगे फिर पानी पताशे खाएंगे। तो ये किस चीज की चटनी अंकल जी? अमचूर की। अमचूर की खट्टी, और ये आ गई दही। दोस्ती दूर की अच्छी, खट्टाई अमचूर की अच्छी। हाँ जी, दोस्ती दूर की अच्छी, खट्टाई अमचूर की अच्छी। अरे वाह, ये हमने नया सीखा कुछ आज। ये मसाले डाल रहे हैं इसमें, तो ये स्वादिष्ट प्लेट आ गई है। कितने की प्लेट है ये? 30 रुपीज। 30 रुपीज की। और क्या क्या है आपके पास? पानी वाले बता दे 20 के साथ। अच्छा, और दही बड़े हैं 30 रुपए प्लेट। अच्छा, मिर्ची बड़ा 30 रुपए प्लेट। ओके, बल्ला पपड़ी है। एक छोटी सी चौल में इतना सारा आइटम उन्होंने रखा हुआ है। प्लेट है, हाफ प्लेट 20 की है। अच्छा, तो आज अपन खाएंगे। वैसे हाथ से खाने का जो मजा है ना, वो अलग ही है, से नहीं आता, तो हम हाथ से ही खाएंगे। तो गाइस, जो मैंने एक सबसे पहली चीज देखी, जो इनके पताशे हैं ना, वो बहुत ही पतले हैं। खा के देखते हैं। एक और दही मीठी है ना, ये मीठी दही, मतलब ऐसा आपको ऐसे खाके लगेगा नहीं कि बहुत ज्यादा फील होगी, आपकी स्टमक बिल्कुल एम्प्टी रहेगी। पंडित जी, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं मेरी मम्मी के साथ में, जब मैं छोटा था ना, अच्छा 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब से ही आता था खाने के लिए। अच्छा। तो आपने इनकी वीडियो बनाई नहीं बनाई? 2 साल पहले बना दी। 2 साल पहले आप देख सकते हो, सिंध पाकिस्तान से आए 80 साल के काका जो आज भी बेच रहे हैं अजमेर में पानी पताशे। क्या बात है। तो अगर आप थोड़े हरी चटनी के भी शौकीन हो ना, वो भी एक्स्ट्रा आप ऊपर से डलवा सकते हो। 30 रुपए की प्लेट है, 8 पीस पताशे देते हैं उसके अंदर। पंडित जी, आप खाओ ना, आप लेकर आए हो हमें। अब अपन खाएंगे पानी पताशे। मेरे गले की बैंड बजी है, बट एक आधा तो ट्राई कर सकती हूँ। अंदर मस्त इन्होंने आलू भरे हुए हैं, ऊपर से हल्का हल्का मसाला, दही और सौंठ, मजेदार। चलिए अब ट्राई करते हैं अंकल जी के पानी पताशे। तारीफ तो बड़ी सुनी है। ये राई का, राई का पानी डाल दो इसमें, राई डाल दो। आरओ का पानी है और जो खटाई अमचूर मिला हुआ है। खटाई है, खटाई अमचूर। अभी आपने कुछ डायलॉग बताया था अमचूर के ऊपर, क्या था वो? दोस्ती दूर की अच्छी और खटाई अमचूर की अच्छी। तो पहले बताशा इन्होंने फोड़ा, उसके अंदर हल्का हल्का डाला बूंदी और आलू, फिर लगाया मीठा सॉल्ट, और फिर पानी और बताशा रेडी। ये खट्टा मीठा है, ये बिना मीठा, बिना मीठा। अजमेर के जो गोलगप्पे है ना, उनके पहली बात वो आपके पेट पे हैवी नहीं पड़ते, नहीं पड़ेंगे, काफ़ी लाइट रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा इसका लेयर होता नहीं है। उसके अलावा अंदर इन्होंने फिलिंग भी बढ़िया डाली हुई है। ये बिना उसका है, बिना सौंठ का जी। ये
करंट लग जाए ऐसा था गोलगप्पा, मेरे को सॉल्ट वाला अच्छा लगा। बढ़िया, इन्होंने ये पुदीने के साथ खटास करी हुई है अमचूर की। अच्छा, ये खट्टी चटनी पुदीने की चटनी के साथ इकट्ठा है दोनों। हाँ। अच्छा, इसमें दोनों तीनों सारे इकट्ठे फ्लेवर आएंगे। तो 20 के साथ, बाप रे, 20 के साथ ये गोलगप्पे दिल्ली में 20 के 3। वाह, क्या बात है। हाँ जी अंकल जी, इतने के मिलते हैं अंकल? बस बस अंकल जी, सब मत खिलाओ। एक एक और ले। आज खत्म हो गई है दिल्ली में गोलगप्पे खाने के बाद। आओ पंडित जी, आप भी आओ, आप लगाओ पहले एक आधा गोलगप्पा, आप भी खाओ जी। एक स्लॉट हमारे को अभी ये दही वाला स्पेशल, ये है स्पेशल गोलगप्पा। तो पताशे के अंदर इन्होंने पहले भरी बूंदी आलू, ऊपर डाला खूब सारा दही, देन मसाला। तो ये हो गया हमारा स्पेशल गोलगप्पा रेडी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही मिलेगा, आप लोग आओगे तो आपको भी मिलेगा। कहीं नहीं खाया होगा ये भी। ये सूखा अंडे का स्वाद, बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग? हाँ। अच्छा, तो वेज बॉइल्ड एग है ये। एबरा बताएंगे अंकल जी क्या क्या डाला है इसके अंदर? जी क्या क्या डाला है इसके अंदर? इसमें मसाले, खाइए आप एक पीस। पहले खाएं, बताइए स्वाद, बताइए फिर आप ही। प्रियंका खाएगी। तू खा, तू खा, तू अंडे की शौकीन है ना, खा। हाँ, इसको पूरा पूरा दो, इसको पूरा दो पूरा। हाँ। लो पूरा दिया। कैसा है, कैसा है स्वाद? मैं दही बड़ा वो लो ना, दही बड़ा में डालता है मसाला। लीजिए आप लीजिए। अच्छा, मेरा भी आ गया, लाओ मैं भी जरा ट्राई करूँ। नहीं मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा, नहीं मैं खा लूंगा। पंडित जी को खिलाओ, पंडित जी को खिलाओ, पंडित जी को दे रहा हूँ, पंडित जी को दे रहा हूँ। आप ये खाइए, अलग स्वाद है। ओ ना, मिर्ची है, नमक है, गरम मसाला। गोलगप्पे के अंदर इन्होंने दही वड़ा डाला है, उसके ऊपर मसाले आलू रख के फिर बॉइल्ड का स्वाद है ये बिल्कुल। ये दही बड़े जो खाए उसकी नानी नहीं मरे। अच्छा, नानी नहीं मरे। ये है दही बड़े जो खाए उसकी नानी नहीं मरे। तो गाइस ये इनका पूरा सेटअप है और काफ़ी बढ़िया इनका टेस्ट है। अगर आप अजमेर में पानी पताशे ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, तीर्थ पानी पताशे वाले पे, बिल्कुल श्री टॉकीज के सामने। पहले यहाँ टॉकीज था, अब ट्रेड सेंटर हो गया। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और पंडित जी की रिकमेंडेशन थी है, पंडित जी मज़ा आ गया आज खा के, आपके रिकमेंडेशन मज़ा आनंद आया भैया। आप भी आइए, बता रही अजमेर और तीर्थ पानी पताशे वाले के, पताशे गोलगप्पे पानीपुरी पुचका क्या बोलते हैं सब ट्राई कीजिए।